Kumari and I belong to Raipur, Dehradun, and I'm very middle class family and मेरी फैमिली में पांच लोग हैं एंड दो मेरे भाई हैं एक मॉम डैड और पांचवी मैं खुद और बस बहुत अच्छी रही है सब कुछ एंजॉय किया कभी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं हुई बट मतलब हुई लेकिन हमने कभी वो नहीं करा महसूस नहीं किया जी हाँ कि मतलब हमने कभी अपने पापा को पता नहीं चले दिया कि हाँ हमें इस चीज़ की कमी है कि हम उतने में भी हम खुश रहते थे और रही स्कूल की तो स्कूल में भी हमने खूब पढ़ाई की मजे किए सब साथ सही किया हमने सही से एक्चुअली सच बात ये है कि मेरे को वैसे तो आया नहीं था बट मेरे को किसी ने कहा कि मतलब उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं थोड़ा घूमने को भी मिलता है और सबसे अच्छी चीज़ कि बाहर जाने को भी मिलता है और लाइफ में ग्रोथ भी है उसमें इसीलिए और क्योंकि मुझे सबसे मेन चीज़ था कि पैसे कमाने थे और मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे लोगों को मतलब सेफ्टी मिलती है लड़कियों को भी और उन्हें अच्छी जगह ही भेजते हैं और ग्रोथ भी होती है लाइफ में बहुत हाँ यही कि टीचर मतलब बहुत अच्छे टीचर फ्रेंड भी हैं सबसे अच्छे से बात भी करते हैं और समझाते हैं मेन बात है कि डांटते नहीं हैं हर चीज़ नहीं होता है तो बताते हैं और समझाते भी हैं उस चीज़ को और वीडियो में भी दिखाते हैं और हमें सब वैसे बताते ज़रूर है कि हाँ ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है और प्रैक्टिकल भी होते हैं हमारे इसीलिए निशान सर तो निशान सर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे वो बहुत अच्छे हैं वो हर बात को बहुत पोलाइटली बोलते हैं कभी गुस्सा नहीं कभी कुछ नहीं इस वक्त मैं ट्रेनिंग जयपुर से कर रही हूँ गोल्डन टूलिप से एंड वहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सब सपोर्ट भी करते हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे हमें रहने को भी खुद एचआर मैम ने ही दिलाया था हमें किसी ने हेल्प नहीं करी थी तो एचआर मैम खुद आई भी थी हमें हमारे साथ रूम तक और उन्होंने हमें भिजवाया भी था और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि रात को अगर जैसे हमारी शिफ्ट लगती है 7 बजे से 7 बजे तो कभी कभी 8 या 9 भी बज जाते हैं तो वो हमें खुद कार से वहाँ पर रूम तक छुड़वाती भी हैं लड़कियों के लिए माहौल बहुत अच्छा है बस ये है कि लड़की अपने थोड़ा उससे चले दिमाग से सोच के चले वरना वैसे तो होटल बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है हाउसकीपिंग में बहुत आसान है मैं ये सोच के यहाँ से गई थी कि शायद इंग्लिश बोलनी पड़ेगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई हार्ड भी बोलेगा समझना पड़ेगा बट ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे सब नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे थे थोड़ी बहुत और उन्हीं को धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सीख गई हूँ और थोड़े फॉरनर लोग भी आते हैं वहाँ पे गेस्ट तो उनसे भी मिल के मेरा तो यही मैसेज है कि वो आए लोग भले ही चाहे उन्हें ये कहे कि नहीं होटल इंडस्ट्री बहुत ख़राब होती है लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है वो आए और होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाए एग्जीक्यूटिव हाउस की करते हैं ओके गुड बेस्ट ऑफ लक मनीषा थैंक यू सर